राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गीता प्रेस एक सामान्य प्रिंटिंग प्रेस नहीं अपितु समाज का मार्गदर्शन करने वाला साहित्य का मंदिर है। सनातन धर्म और संस्कृति को बचाए रखने में इसकी भूमिका मंदिरों और तीर्थस्थलों जितनी ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शनिवार शाम धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रसिद्ध संस्था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों की अवधारणा रही है कि गीता प्रेस एक प्रेस होगा जहां मशीनें होंगी, कर्मचारी होंगे, पर आज जो देखने को मिला वह सिर्फ प्रेस नहीं बल्कि अद्भुत साहित्य मंदिर है। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास प्राचीन काल से धर्म और अध्यात्म से जुड़ा रहा है। हमारी अनुपम संस्कृति को पूरे विश्व में सराहा गया है। भारत के धार्मिक व आध्यात्मिक सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में गीता प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने गीता प्रेस के महत्व को रेखांकित करते हुए गीता के एक श्लोक का उद्धरण किया, यम इम परम गुहाम मद भक्ते स्वाभिद्यासति भक्तिमयमीम पराम कृत्वा मामेश्वसे संशयः। इसका अर्थ भी उन्होंने समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कोविंद ने कहा कि संभवतः इस श्लोक की प्रेरणा से जयदयाल गोयंदंका जी के मन में गीता प्रेस की स्थापना का विचार आया होगा। जब इस प्रेस की नींव में ही भगवत प्रेम है तो इसका नाम गीता प्रेस होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन हेतु विश्व की सबसे बड़ी संस्था है और इसमें कठिन दौर में भी सस्ते दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने का क्रम जारी रखा है। स्थापना काल से अब तक 70 करोड़ से अधिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए उन्होंने गीता प्रेस परिवार को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि भारत की सीमाओं से बाहर भी गीता प्रेस अपनी शाखाएं स्थापित कर रहा है। गीता प्रेस ने नेपाल में अपनी पहुंच को नई दिशा दी है। उम्मीद है कि पूरा विश्व भारत के दर्शन व संस्कृति से लाभान्वित होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि विदेश यात्रा के दौरान वह भारतवासियों से मिलते हैं, उनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति अपार लालसा है। उनकी लालसा को पूर्ण करने में गीता प्रेस का बड़ा स्रोत बन सकता है। विदेशों में गीता प्रेस के इस कार्य में राष्ट्रपति सचिवालय मदद उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि गीता प्रेस आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह संयोग है या दैव योग है यह नहीं कह सकता, लेकिन यह जरूर पिछले जन्मों के कुछ पुण्य का फल है। यहाँ कर्मचारियों से मिलने का अवसर मिला। उनकी निष्ठा, ईमानदारी, सद्भावना व अनुशासन अद्वितीय है। गीता प्रेस के मुख्य द्वार से लेकर यहाँ विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित ग्रंथ अनेकता में एकता के सिद्धांत को दर्शाने वाले हैं। राष्ट्रपति ने कहा गीता प्रेस व लीला चित्र मंदिर आकर उन्हें अनुभव हुआ कि अभी उनकी यात्रा अधूरी है। उनकी इच्छा यहाँ एक बार और आने की है। ईश्वर से वह प्रार्थना करेंगे कि उनकी यह इच्छा जल्द पूरी हो। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि प्राचीन काल से हमारे यहाँ धर्म और शासन एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। यहाँ मौजूद योगी आदित्यनाथ भी इन दोनों भूमिकाओं के समाहित रूप हैं। वह मुख्यमंत्री भी हैं और पीठाधीश्वर भी। दोनों भूमिकाओं का एक में समाहित होना बहुत बड़ी बात है। गीता प्रेस न केवल धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रतिष्ठित संस्था है, बल्कि इसकी ख्याति इसके अनूठे लीला चित्र मंदिर के लिए भी है। गीता प्रेस आगमन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की प्रथम महिला नागरिक श्रीमती सविता कोविंद, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे पहले लीला चित्र मंदिर का अवलोकन किया। इसे देख प्रसन्नता के भाव में वह अभिभूत नजर आए। लीला चित्र मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों के श्लोक संगमरमर पर लिखे हुए हैं। साथ ही देवी देवताओं के सैकड़ों चित्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर और दादू के दोहों का अंकन भी मंदिर में किया गया है। इन सब का अवलोकन कर राष्ट्रपति भाव विभोर हो गए। वह बरबस ही बोल पड़े, इस समय यह कार्य संभव नहीं है। लीला चित्र मंदिर में उन्होंने सीडी के आकार की हस्तलिखित गीता देख यह जानने की जिज्ञासा जताई कि इसे किसने लिखा है। लिखने वाले की जानकारी न मिलने पर मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा,
मैं मान लेता हूँ कि जिसने गीता रची उन्होंने ही लिखवाई होगी। श्री कोविंद लीला चित्र मंदिर पहुँचने वाले दूसरे राष्ट्रपति हैं। 29 अप्रैल 1955 में इसका उद्घाटन करने देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आए थे। तब उनके साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अगवानी करने को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उपस्थित हुए थे। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गीता प्रेस लीला चित्र मंदिर आगमन पर मुख्यमंत्री के साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका निभा रहे योगी आदित्यनाथ अगवानी को मौजूद रहे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष शुभारंभ समारोह के अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गीता प्रेस विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था है। गीता प्रेस से प्रकाशित विश्व प्रसिद्ध कल्याण पत्रिका के आद्य संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के प्रति श्रद्धा निवेदित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सत्य प्रेम शांति के माध्यम से मानवता की सेवा करने के लिए गीता प्रेस की स्थापना हुई। आदर्श मानव व आदर्श समाज की स्थापना का भाव ही इसके मूल में है। यहाँ से प्रकाशित धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुस्तकों ने लोगों में आत्मचिंतन व आत्मशक्ति का जागरण किया है। इस संस्था को विश्व में सर्वाधिक सनातन साहित्य के प्रकाशन का गौरव प्राप्त है। राज्यपाल ने कहा कि घर घर रामचरितमानस व श्रीमद् भागवत गीता पहुंचाने का श्रेय गीता प्रेस को ही जाता है। उन्होंने कहा जब उद्देश्य पवित्र होगा तो समस्याओं पर विजय प्राप्त होगी। गीता प्रेस इसका साक्षात उदाहरण है। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक साहित्य के माध्यम से गीता प्रेस देश की अपूर्व सेवा कर रहा है। साहित्य की सेवा कभी न मिटने वाली सेवा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता प्रेस 2 शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर राष्ट्रपति का आगमन गौरवशाली क्षण है। 1923 में 10 रुपए के किराए के भवन में जयदयाल गोयदंका जी ने जिस बीज का रोपण किया था आज वह वटवृक्ष बनकर देश दुनिया में घर घर को धर्म संस्कार से जोड़कर देश सेवा का उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस से भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का जुड़ना कल्याण का प्रकाशन शुरू होना एक अद्भुत कार्य था। उस वक्त में भी कल्याण को घर घर तक पहुंचाया गया जब इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी। सीएम योगी ने कहा कि गीता प्रेस की पुस्तकों में न तो विज्ञापन होता है और ना ही व्याकरण की अशुद्धि। गीता तत्व विवेचनी में श्लोकों की विवेचना कैसी सहज हिंदी में की गई है, इसे कोई भी आत्मसात कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में गीता प्रेस की स्थापना का शताब्दी वर्ष आयोजित होना और इससे जुड़ना गोरखपुर वासियों व पाठकों के लिए उल्लेखनीय होगा। इस अवसर पर सीएम योगी ने गीता प्रेस से गोरखपीठ के जुड़ाव का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि 1955 में जब देश के प्रथम राष्ट्रपति गीता प्रेस के मुख्य द्वार व लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन करने आए थे तब उनके साथ मेरे दादा गुरु व तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी भी मौजूद थे। आज राष्ट्रपति श्री कोविंद के आगमन पर यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में गीता प्रेस ट्रस्ट के महासचिव विष्णु प्रसाद चांदगोटिया, ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल, बैजनाथ अग्रवाल व अन्य ट्रस्टियों ने राष्ट्रपति, देश की प्रथम महिला नागरिक, राज्यपाल व मुख्यमंत्री को उत्तरीय व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया। स्वागत संबोधन देवी दयाल अग्रवाल व संचालन गीता प्रेस में मैनेजर लालमणि तिवारी ने किया। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के समक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 ग्रंथों का विमोचन किया। इन दोनों ग्रंथों 300 रंगीन चित्रों के साथ आर्ट पेपर पर श्री रामचरितमानस और गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयदंका द्वारा रचित गीता तत्व विवेचनी का प्रकाशन शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है। मुख्यमंत्री ने दोनों ग्रंथों की प्रथम प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सांसद गोरखपुर रवि किशन शुक्ल, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान, महापौर सीताराम जायसवाल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गीता प्रेस से जुड़े चंद्र प्रकाश जी ने कहा पता नहीं क्या महाराज जी कहने में ज्यादा लगती है कहने में
स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है सामने। महायोगी बाबा गोरखनाथ के इस पावन धरा पर
उपस्थित देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला सम्मानीय श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गीता प्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद कोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री वैजनाथ अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गीता प्रेस गोरखपुर के सभी ट्रस्टीगण, गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक और उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए एक गौरवशाली क्षण है जब सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन का सबसे प्रमुख केंद्र विगत 100 वर्षों के अंदर 90 करोड़ से अधिक सनातन हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का प्रकाशन करके साहित्य के माध्यम से देश और धर्म की अत्यंत उल्लेखनीय और सराहनीय सेवा की है। आज अपने यशस्वी कालखंड के 100 वर्ष पूरा कर रहा है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हम सबके सौभाग्य से देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं पूरे गोरखपुर वासियों की ओर से, गीता प्रेस परिवार की ओर से और देश और दुनिया के सभी हिंदू धर्मावलंबी और सनातन धर्मावलंबियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। कदाचित कोई ऐसा परिवार देश के अंदर नहीं होगा जिसकी सनातन हिंदू धर्म में विश्वास हो और उसके यहाँ गीता प्रेस से जुड़ा हुआ कोई साहित्य न हो, और इस पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि गोरखपुर 1923 में मात्र 10 रुपए किराए के घोड़ में जी ने जिस बीज का रोपण किया था, आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन को घर घर तक पहुंचा करके धर्म और संस्कार के साथ साथ सत्कर्मों के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, यह एक उल्लेखनीय कार्य विगत 100 वर्षों से जो संस्था कर रही है उसका नाम है गीता प्रेस। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1955 में आज से 67 वर्ष पूर्व संस्था के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने और यहां का जो सबसे आकर्षण का केंद्र है चित्र प्रदर्शनी का, उसका उद्घाटन करने के लिए उस समय के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी विशेष रूप से यहां पर पधारे थे और आज उत्तर प्रदेश के ही सपूत के महामहिम राष्ट्रपति जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है
और शताब्दी वर्ष के समारोह का शुभारंभ भी आज राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हमारे महामहिम राज्यपाल जी और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ये प्रारंभ हो रहा है। गीता प्रेस साहित्य के माध्यम से देश और समाज की अपूर्व सेवा कर रहा है, ये उल्लेखनीय सेवा है। साहित्य की सेवा कभी न मिटने वाली सेवा होती है और एक लंबी यात्रा प्रारंभ की। सदैव भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ना, कल्याण का प्रकाशन गीता से होना, गीता प्रेस से होना और घर घर तक कल्याण को पहुंचा देना, अद्भुत कार्य। उस कालखंड में जब साहित्य नहीं था, प्रकाशन नहीं था, इतनी एडवांस तकनीक नहीं थी, उस समय भी गीता प्रेस इस कार्य को कर रहा था। एक रुपए की गीता की प्रतिलिपि, गीता की जो ग्रंथ था एक रुपए में इस प्रेस ने उपलब्ध करवाई है। और आज भी साहित्य प्रकाशन का कोई विज्ञापन नहीं, कितना पवित्रता के साथ, व्याकरण की कितनी शुद्धि है। सामान्य चिन्ह आज यहाँ पे दो प्रमुख ग्रंथों का विमोचन इस मंच के माध्यम से हुआ है। तत्व विवेचनी को अगर आप देखेंगे, एक एक संस्कृत के श्लोकों को कैसे उसकी विवेचना करके एक सामान्य हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसकी विवेचना कर सकता है और उसको बहुत सुगमता के साथ उसे ग्रहण करके उसको आत्मसात कर सकता है। और ये गीता प्रेस जैसे संस्थाओं के माध्यम से ही संभव हो पाया है और ये बहुत बड़ी सेवा थी। जब देश स्वतंत्र था तब गीता प्रेस ने 1923 में गोरखपुर में एक छोटे से मकान पर, किराए के मकान से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। आज एक विशाल पट वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर छा करके सनातन हिंदू धर्म की एक उल्लेखनीय सेवा इस संस्था कर रही है। इस उल्लेखनीय सेवा से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का, जिन्होंने गोरखपुर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, उस कार्यक्रम को उस समय बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य जहां ये संस्था उस समय से प्रारंभ की, आज हम सब इस बात को जानते हैं कि गीता प्रेस का यह कार्य जिसे उस समय गोरखपुर के श्री घनश्याम दास जी चौहान ने, श्री महावीर प्रसाद जी पोदार ने गोरखपुर में प्रेस की स्थापना करने का सुझाव दिया और गोयनका जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ाव हुआ तो कल्याण जैसी पत्रिकाओं का यहां से प्रकाशन के साथ ही देश के घर घर में कल्याण पहुंचना। एक समय ऐसा था जब कल्याण को देखने के लिए लोग महीने भर इंतजार करते थे, डाक से ही वहां जाती थी। और उसके बाद अब तो तकनीक के माध्यम से सब कुछ सर्वसुलभ हो चुका है, सुगम हो चुका है, लेकिन उस कालखंड में भी गीता प्रेस इस कार्य को करता था। आजादी के आंदोलन में जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, आजादी के 75 वर्ष, और इस 75वें वर्ष में हम सबको देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम इसके साक्षी बन रहे हैं, तब गीता प्रेस अपनी स्थापना का 100वां वर्ष आयोजित कर रहा है। पूरे एक वर्ष तक गीता प्रेस अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ेगा और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ना गोरखपुर वासियों के लिए, गीता प्रेस के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए, गीता प्रेस के जितने भी पाठक हैं उनके लिए अत्यंत उल्लेखनीय होगा। और इस अवसर पर जब आप इस दौरान गीता प्रेस की एक लंबी यात्रा चली है, उस यात्रा में तकनीक किस किस कदर बदलती रही, कैसे उतार चढ़ाव गीता प्रेस ने देखे हैं, ये सभी चीज मुझे लगता है पाठकों के पास अवश्य आने चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं गीता प्रेस को 100 वर्षों की उल्लेखनीय सेवा के लिए अभिनंदन करता हूँ। गीता प्रेस ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी ट्रस्टियों को हृदय से बधाई देता हूँ, सभी पाठकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ। मैं इस अवसर पर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी का,
प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का हृदय से गोरखपुर की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हम गीता प्रेस के शताब्दी समारोह को भी पूरी भव्यता के साथ आयोजित करेंगे और आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अमृत काल के रूप में इसे मान करके अगले 25 वर्षों की, क्योंकि जब गीता प्रेस अपना 125वीं जयंती के कार्यक्रम को, स्थापना के कार्यक्रम को आयोजित करेगा तभी देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा और उस समय कैसा भारत हमें चाहिए, उस सशक्त और समर्पित भारत के लिए हम सब भी अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। क्योंकि गीता प्रेस है तो स्वाभाविक रूप से श्रीमद भगवद गीता उस कर्म की ही हमें प्रेरणा देता है, कर्मणे वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और उस कर्म को करने के लिए निरंतर हम आगे बढ़ते रहे इस विश्वास के साथ मैं गीता प्रेस की उल्लेखनीय सेवा के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए शताब्दी समारोह के लिए पूरे गीता प्रेस परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि एक वर्ष का यह कार्यक्रम अनेक प्रकार से अपनी अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरा भरपूर सहयोग रहेगा। गोरख स्पीड से गीता प्रेस का बहुत पुराना जुड़ाव रहा है जाता भाई। और उस पुराने जुड़ाव के साथ मेरे लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1955 में मेरे पूज्य दादा गुरु प्रभुनीत महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज वे स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी उस समय बने थे। उस कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति जी के साथ स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित थे और आज मुझे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस अवसर पर मैं एक बार फिर से गीता प्रेस को इस पूरे उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गीता प्रेस के मुख्य द्वार और लीला चित्र मंदिर के उद्घाटन के समय जिस भूमिका में तत्कालीन गोरख पीठाधीश पूज्य महाराज जी हैं और दोनों कार्यक्रमों के 1955 के कार्यक्रम के और इस आज के कार्यक्रम गीता प्रेस से 72 वर्षों से जुड़े ट्रस्टी श्री बैजनाथ जी अग्रवाल 1955 में भी ये उस समय जब आज भी गीता प्रेस की सेवा में है, निरंतर आते हैं, हम नमन करते हैं गीता प्रेस की इनकी निष्ठा को। ये हम सबके लिए प्रेरणा है और आदर्श है। अब हम आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह देश के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का मैं काफी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता जी का नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गीता प्रेस उस दिव्य संकल्प की छवि है जिसने इसकी स्थापना के लिए प्रेरक शक्ति का काम किया। सन 1923 में सत्य प्रेम और शांति के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए इस गीता प्रेस की स्थापना की गई। मैं आप सभी को शताब्दी समारोह की बधाई देती हूँ। श्री पोद्दार जी ने इस गीता प्रेस के माध्यम से जन जन तक गीता का संदेश मुख्य रूप से आदर्श जीवन जीने का मर्म समझाने का प्रयास किया ताकि मानव को आदर्श मानव और समाज को आदर्श समाज बनाया जा सके। सन 1923 से यह प्रेस दुनिया भर में अपने साहित्य के माध्यम से नैतिकता और आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार कर रहा है। मानव जीवन में धर्म कर्म और ज्ञान का सबसे अधिक महत्व है। ज्ञान के बारे में गीता में कहा गया है कि इस धरती पर ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह गर्व की बात है कि हनुमान प्रसाद गुप्ता जी श्रीमद भगवद गीता के साथ ही सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाकर उनमें आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और आत्मशक्ति की भावना सशक्त करने का सराहनीय प्रयास किया। आज गीता मुद्रणालय विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था बन चुकी है।
तारीख कार्यक्रम इस उदाहरण के माध्यम से देश दुनिया में हिंदी संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों ग्रंथों पत्र पत्रिकाओं का वितरण किया जा रहा है। सच तो यह है कि इस गीता प्रेस को भारत में घर घर रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता को पहुंचाने का श्रेय जाता है। गीता प्रेस की पुस्तकों की बिक्री 18 थोक दुकानों से ज्यादा हजारों पुस्तक विक्रेताओं पर देश के 42 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बने गीता प्रेस के बुक स्टोरों के माध्यम से की जा रही है। इस प्रकार अगर यह देखा जाए तो गीता प्रेस लोगों को रोजगार से जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रेस के माध्यम से आज अनेक परिवारों की आजीविका चल रही है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि आज यह गीता प्रेस अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। इतने लंबे सफर में इस गीता प्रेस ने अनेक उतार चढ़ाव का अनुभव किया, लेकिन अगर उद्देश्य पवित्र है तो निश्चय ही समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मानव जाति के कल्याण के लिए जो महान कार्य इसने किए हैं वह प्रेरणीय है। यह गीता मुद्रणालय भविष्य में और अधिक प्रगति करे तथा इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। अंत में मैं राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ अक्षर इस महत्वपूर्ण संस्था के शताब्दी समारोह के लिए निकाले। और कल्याण में जो पुस्तकों का विज्ञापन दिया जाता है उस पर भी आपकी दृष्टि रखते हैं माननीय राष्ट्रपति। अब समय मंच पर इतने व्यक्तित्व एक साथ आसीन है, यह एक संयोग नहीं दैव योग है। दैव योग यह क्षण इतिहास बनने वाला है। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष उद्घाटन समारोह में मंच पर उपस्थित प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद भोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री वैद्यनाथ अग्रवाल जी, गीता प्रेस से जुड़े हुए अन्य पदाधिकारीगण और कर्मचारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जन, आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर पाया। ये संयोग है या दैव योग है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना जरूर मानता हूं कि पिछले जन्मों के कुछ पुण्य का फल जरूर है कि आज मुझे इस सौभाग्यशाली समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस शुभ अवसर पर गीता प्रेस से जुड़े सभी लोग, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको मैं बधाई देता हूँ। यहाँ पर आने से पूर्व मुझे गीता प्रेस के सभी कर्मचारियों से मिलने का भी अवसर मिला। मैंने उनकी निष्ठा, ईमानदारी और सद्भावना इस प्रेस के लिए जो मैंने देखी वो अद्वितीय थी। उनकी निष्ठा, उनका अनुशासन, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसके पश्चात मुझे
गीता क्षेत्र मंदिर के भ्रमण का भी सुअवसर प्राप्त हुआ और मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि ये कल्पना जिन क्षेत्रों को सार्थक रूप दिया है वो किसी इंसान की नहीं हो सकती है, ये कल्पना तो किसी दैव योग से ही जिन चित्रकारों ने भी बनाया है उसे अद्भुत। और एक गीता की पांडुलिपि का भी मुझे देखने का सौभाग्य मिला, उसको दूरबीन से दिखाया गया। मैं हैरान था कि एक छोटी सी एक लगभग 6 इंच के डायमीटर में वो पूरी गीता का समायोजन किया गया है। ऐसा कौन सा इंसान तो नहीं हो सकता है, यदि यह इंसान होगा तो इंसान के रूप में उस पर भगवान की कृपा जरूर रही होगी। अभी मेरे मन में विचार आया था कि ये जो बड़े बड़े काम होते हैं इस संसार में उसके पीछे दैवी शक्तियां होती हैं। और जब हनुमान जी का नाम आता है तो चाहे रामचरित मानस का हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो, दोनों युद्धों में दोनों क्षेत्रों में अपना योगदान है। उनके योगदान के बिना ये दोनों कार्य पूरे नहीं हो सकते। और मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि गीता प्रेस को भी आगे ले जाने में हनुमान जी की ही कृपा है, अर्थात हनुमान प्रचार प्रचार। देवी और सज्जनों, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए गीता प्रेस भवन में मेरा कभी नहीं आना, यद्यपि गोरखपुर आने का संयोग कई बार बना। मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों की एक अवधारणा थी और अवधारणा केवल मात्र प्रेस की है, क्योंकि एक प्रेस होगा, एक पुराना भवन होगा, सजाया गया होगा, अंडर होगा, जैसा भी होगा, उसमें कुछ कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की कभी कभी हड़तालें भी होती हैं, इनकी भी हुई थी, लेकिन उसमें भी दैव कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन एक सामान्य जो अवधारणा कि प्रेस क्या होता है, एक प्रेस जहाँ पर मशीनें लगी होंगी, छपाई का काम चल रहा होगा, वहाँ पर उनका पुस्तकों का हो अथवा जो भी साहित्य निकलेगा उसका वितरण की क्या व्यवस्था है, बेचने की क्या व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध होगी। लेकिन आज तो मुझे देखने को मिला कि ये गीता प्रेस नहीं है बल्कि ये साहित्य का एक मंदिर है। ये संभव नहीं हो सकता। प्रेस तो मुझे मशीनें देखने को नहीं मिली, लेकिन जो मशीनों को चलाते हैं या जो मशीनों को चलवाते हैं ट्रस्टी लोग, उनसे जरूर मेरी भेंट। लेकिन मैंने एक अद्भुत चीज और अद्भुत वो कि ये सही मायने में नाम इसका गीता प्रेस है, लेकिन सनातन धर्म को यदि इसको बचाए रखने में, यदि हमारे मंदिरों और तीर्थ स्थलों का जितना योगदान है उतना ही योगदान गीता प्रेस के द्वारा मुझे एक और प्रसन्नता हुई। जब मैं यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में जाना संभव होता है तो अपने देखता हूँ अपनी बहनों और बेटियों के बारे में, सोचता हूँ उनकी संख्या कम होती है और होती भी है तो कभी पीछे बैठने को मिलता है। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला कि कम से कम आप लोगों ने न केवल स्थान दिया बल्कि अपने से भी एक की जो भावनाएं होती हैं वो केवल ना केवल एक दैवी गुण या सद्गुण के कारण ही हो सकती है, जिस किसी के भी मन में आया होगा, अन्यथा एक इसका दूसरा रूप भी हो सकता था कि उनको आगे बिठा दिया जाता और ट्रस्टी लोगों को वहां बिठा दिया जाता, एक ये भी हो सकता था। लेकिन मैं इन ट्रस्टीज का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिनकी इस प्रकार की सोच रही कि उन्होंने सोचा कि शायद ये मात्र शक्ति की जो ऊर्जा है वो हमसे
से भी बढ़कर है वो बलूचिस्तान की मोहब्बत है। देवी और सज्जनों, भारत का इतिहास प्राचीन काल से ही अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के सम्राटों ने, राजा महाराजाओं ने प्राय अपने अनुशासन में धर्म का भी पालन किया और कहा ये जाता था कि धर्म और शासन दोनों एक साथ चलते, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आज वो दृश्य हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आदरणीय योगी जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं और गोरखपीठ के पीठासीनेश्वर भी। ये एक व्यक्ति में ये दोनों चीजों का समाहित होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धर्म और अनुशासन के समागम से हमारी भारतीय संस्कृति का अद्वितीय और अनुपम स्वरूप उभरता रहा। इस अनुपम संस्कृति को संपूर्ण विश्व में सराहा भी गया। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि भारत की संस्कृति एवं ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से अविरत चलती आ रही है और भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन चुकी है। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन जन तक ले जाने में गीता प्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने प्रकाशन के माध्यम से गीता प्रेस ने हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंगों को जनमानस तक पहुँचाया। मुझे बताया गया है कि गीता प्रेस की स्थापना के पीछे मंशा थी गीता का प्रचार प्रसार और जन जन में भगवत प्रेम जागृत करना। इस कार्य को आरंभ करने का श्रेय श्री जयदयाल गोयनका जी को जाता है। श्री जयदयाल गोयनका जी को सेठ जी के नाम से वो पुकारा जाता था। मुझे बताया गया कि ये उपनाम उनको संबोधन हेतु स्वामी श्री राम सुखदास जी ने दिया था जो उनके सभी अनुयायियों में प्रचलित हो गया। देवी और सज्जनों, भगवत गीता में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसका मैं इस सभा में जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। यम इमम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामेव ऐषति असंशय। अर्थात अत्यंत भक्ति से जो व्यक्ति इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों से कहेगा ये भगवान कृष्ण का वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी श्लोक में आगे की पंक्तियों में ये भी स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति से ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और ना ही उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर उसका कोई होगा। संभवतः इसी श्लोक के प्रेरणा स्वरूप सेठ जी ने कोलकाता में अपने कार्य के साथ ही सत्संग करना प्रारंभ किया। इन सत्संग सभाओं में गीता पाठ किया जाता था। उनकी यह सत्संग सभा क्रमशः लोकप्रिय होती गई और सत्संगों में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। सभी साधकों को स्वाध्याय हेतु गीता ग्रंथ की आवश्यकता थी, परंतु गीता की पुस्तक जो शुद्ध रूप और सही अर्थ से युक्त हो और सस्ती भी हो उस समय सुलभता से उपलब्ध नहीं थी। प्राय देखा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और ये पुनः सिद्ध हुआ जब भगवद गीता को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की इच्छा और सामान्य जनता को उपलब्ध कराने की भावना ही गीता प्रेस की स्थापना का कारण है। तदोपरांत श्री घनश्याम दास ज्यादा तथा श्री महावीर प्रसाद जी होता ने गोरखपुर में इस प्रेस को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जिसे
सबके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि कोलकाता से शुरू की गई एक छोटी सी पहल अब संपूर्ण भारत में अपने कार्य के लिए सुप्रसिद्ध है। मुझे बताया गया है कि अपनी स्थापना से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि में गीता प्रेस से भगवद गीता के विभिन्न संस्करणों की 1621 लाख प्रतिलिपियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम रामचरित मानस उपनिषद आदि पुस्तकों को सम्मिलित करें तो गीता प्रेस अब तक 70 करोड़ से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित करके एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। गीता प्रेस को हिंदू धार्मिक पुस्तकों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक होने का गौरव भी प्राप्त है। आर्थिक संकटों के दौर से उभरते हुए गीता प्रेस ने अद्वितीय प्रतिष्ठा उपलब्धि की जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र। कठिन दौर में भी जनमानस को सस्ते दाम पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए मैं गीता प्रेस को साधुवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस पत्रिका कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कल्याण का प्रकाशन 1926 से लगातार हो रहा है। इस पत्रिका के आद्य संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी बोधार थे। आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याण के विशेषांकों का संग्रह ही साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित स्थान है। कल्याण पत्रिका संभवतः गीता प्रेस के सबसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में से एक है। ये भारत में अब तक सबसे व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली धार्मिक पत्रिका है। यहाँ पर मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने भी किया, ये बात सच है कि मैं कल्याण का एक साधारण पाठक हूँ। मुझे प्रतिमा मिलती है और उसके लिए मैं गीता प्रेस के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूँ। आज जब मैं लीला चित्र मंदिर का भ्रमण किया और पूरे प्रांगण को देखा तो मुझे एक अनुभव हुआ कि आज की यात्रा मेरी अधूरी है, अभी मुझे एक बार और आना है। दैव संयोग का होगा लेकिन मेरे मन की इच्छा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी इच्छा ये जल्द से जल्द पूरी हो। देवी और सज्जनों, कल्याण पत्रिका जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का लेख प्रकाशित करने का भी सौभाग्य प्राप्त है। अपने प्रथम अंक में प्रकाशित इस लेख में गांधी जी ने लिखा था कि मनुष्य का धर्म है ईश्वर के निकट ले जाने वाली सर्व शक्तियों का विकास करना और तमाम प्रतिकूल शक्तियों का त्याग कर देना, यही उसका दोहरा धर्म है। गीता प्रेस अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से इसी लक्ष्य को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत है। उनके प्रयास के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ। देवी और सज्जनों, मैं एक बात का और भी उल्लेख करना चाहूँगा। गीता प्रेस के लगभग 1850 वर्तमान प्रकाशनों में करीब 760 प्रकाशन संस्कृत एवं हिंदी, परंतु शेष प्रकाशन अन्य भाषाओं में भी, जिनमें गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़, असमिया, मलयालम, नेपाली, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी भी शामिल है। इस बात से एक और पहलू उजागर होता है और वो है हमारी भारतीय संस्कृति का अनेकता में एकता का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति में धार्मिक एवं आध्यात्मिक आधार पूर्व से लेकर पश्चिम से, पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक। यदि रामायण हिंदी में लोकप्रिय है तो तमिल और गुजराती में भी उतनी ही प्रसिद्धि एवं मान है। सामासिक संस्कृति का इससे बेहतर उदाहरण मिलना कठिन होगा, जहाँ एक ही कथा एवं विचारधारा अनेक भाषाओं में उपलब्ध हो और मान्य भी हो। इसी प्रकार गीता प्रेस परिसर का मुख्य द्वार हमारे देश की विभिन्नता और एकता को दर्शाता है। ये द्वार भारत की विभिन्न कलाओं एवं शैलियों का समागम है। कला के अतिरिक्त इस द्वार में भारतीय संस्कृति एवं धर्म की गौरवमयी गाथा भी निहित है। इस द्वार का उद्घाटन 1955 में, जैसा बताया गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और मेरे पूर्ववर्ती
दर्शनीय स्थल भी बन गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस गीता प्रेस परिसर का मुख्य द्वार का आज मुझे दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। एक बात का मैं और उल्लेख करना चाहूंगा, वो ये है कि गीता प्रेस ने अपनी शाखाएं अब भारत की सीमाओं से बाहर भी स्थापित करने की योजना बनाई है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में गीता प्रेस ने अपनी शाखा आरंभ करके अपनी पहुंच को एक नई दिशा दी। मुझे बताया गया है कि विश्व के अनेक देशों में गीता प्रेस की पुस्तकें एवं प्रकाशन अत्यंत लोकप्रिय है। मैं आशा करता हूं कि गीता प्रेस की शाखाएं विश्व के अनेक प्रमुख देशों में भी स्थापित होगी और पूरा विश्व भारत की संस्कृति और दर्शन से लाभान्वित होगा। मैं अपना अनुभव भी आप सबसे साझा करना चाहूंगा कि मैं जब विदेश यात्रा पर राजकीय यात्रा होती है तो वहां पर मैं इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनसे बातचीत के माध्यम से ये सारी जानकारियां कि उनमें कितनी लालसा है, कितनी उत्सुकता है भारतीय संस्कृति को बनाए रखने की, उसको मेंटेन करने की, हमारे संस्कारों की, हमारे विचारों की, हमारी परंपराओं को, और उन सब का एक गीता प्रेस का साहित्य जो है वो एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, और मैं चाहूंगा कि मेरा सेक्रेटरी भी आपको इसमें मदद करेगा कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उनके जितने भी हमारे मिशन है, हाई कमिश्नर ऑफिस है, उनमें भी आपके साथ में एक इंटरेक्शन करवा करके आपके साहित्य को अधिक से अधिक हमारा इंडियन अंत में एक बार फिर मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष के आरंभ होने की आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और इस संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय चंद्रप्रकाश ये राष्ट्रपति पधारे, उनके विचार सुने, गीता प्रेस के जवाब में बताई, बातें काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी उन्होंने सही तरीके से बताया उनको और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा।